नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इना मीना एंड डीका आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आर 5:2:3। सो दिस इज योर ओल्ड रेशियो माय डियर फ्रेंड्स, 5:2:3। एडिशन आएंगे 5+2 7+3 10, 5/10, 2/10, 3/10। बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप इज एज अंडर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस दिए है आपको। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके एंट्री क्या हो जाएंगे दोस्तों, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 7000 टू इनास कैपिटल, 7000 इंटू 5/10 3500 टू मीनास कैपिटल अकाउंट, 7000 इंटू 2/10 1400 एंड टू डीकास कैपिटल अकाउंट 7000 इंटू 3/10 2100। जनरल रिजर्व कैश अकाउंट जाएगा दोस्तों आपका, ओपनिंग बैलेंस है कैश अकाउंट का, डेबिट में जाएगा कैश अकाउंट के। स्टॉक असेट्स है, बिल्डिंग असेट्स है, डेटा असेट्स है, मशीनरी असेट्स है। मीना रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2019 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। पहले पोस्ट कर देंगे अपन 16,000, 12,000, 9,800 ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर देंगे बाय ओपनिंग बैलेंस 16,000, 12,000, 9,800। कैश का ओपनिंग बैलेंस है आपका 1200, चलो ये भी हो गया आपका, कैश भी हो गया माय डियर फ्रेंड्स, वेरी नाइस। यस, और ये तीन भी हो गए पोस्ट। जनरल रिजर्व 3500, 1400, 2100 पोस्ट कर देंगे अपन बाय जनरल रिजर्व। आप लोगों ने पूरा लिखना है दोस्तों जनरल रिजर्व करके, वेरी नाइस। द गुडविल शेयर ऑफ मीना इज ₹3200। बाय दिस अमाउंट ओपन द गुडविल अकाउंट एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मीना गुडविल अकाउंट इज क्लोज, दैट इज रिटर्न ऑफ। तो पहले गुडविल ओपन करने की एंट्री करेंगे अपन। गुडविल अकाउंट डेबिटेड 3200 टू मीनास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसी का शेयर ऑफ गुडविल दिया है, द गुडविल शेयर ऑफ मीना, मीना इज रिटायरिंग पार्टनर, उसी का शेयर दिया है। तो मीना के जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा क्रेडिट में गुडविल, बाय गुडविल 3200। और जब गुडविल क्लोज करेंगे दोस्तों अपन, सो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मीना न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ इना एंड डीका विल बी 5:3। तो 5:3 में गुडविल अपन क्लोज कर देंगे। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है इनास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डीकास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। इसका मतलब है गुडविल अकाउंट जो है आपका राइट ऑफ करने का है अपने को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में न्यू रेशियो में 5/8 3/8 2000 and 1200। माय डियर फ्रेंड्स 2000 and 1200, तो ये चला जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल 2000-1200, यानी ये भी एडजस्टमेंट हो गया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 420 विल बी गिवन टू मीना इन कैश एंड द बैलेंस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट।
सो मीनास कैपिटल अकाउंट डिबिटेड टू कैश 420, टू कैश में कैश के क्रेडिट में आएगा बाय मीनास कैपिटल अकाउंट 420, वेरी नाइस। चलो स्टॉक डिक्रीज बाय 1200, स्टॉक था 13,200 का, डिक्रीज हो गया 1200 से, स्टॉक 13,200 डिक्रीज कर देंगे यानी डिप्रिसिएशन 1200 से, आउटर में जाएगा 12,000, डिप्रिसिएशन दिखा देंगे अपन पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू स्टॉक 1200। बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 10%, तो बिल्डिंग आपको देख रखी है 18,000 की, 10% से आपकी बिल्डिंग एप्रिसिएट होगी, बिल्डिंग 18,000, 18,000 का 10%, 1800 ऐड कर देंगे, आउटर में जाएगा 19,800, इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 1800 अपना फायदा है तो अपन दिखा देंगे पी एंड एल के रेट में। मशीनरी डिक्रीजेस बाय 10%, तो मशीन आपको देके रखी है कितनी, 14,000 का 10%, 1400 कम करने का है, मशीन 14,000 लेस कर दो 10%, 1,400, आउटर में जाएगा 12,600, और टू मशीन दिखाएंगे अपन, कम हो गई, लॉस हो गया तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में। बैड डेट्स इज आर चार्ज ऑन डेटर्स इज ₹100, सो डेटर 6,000 है आपका, उसमें से 100 माइनस कर देंगे असेट्स में जाके, डेटर्स 6,000 लेस कर देंगे अपन आरडीडी बोलो या फिर बैड डेट्स रिजर्व बोलो, 100 वन एंड द सेम थिंग, 5,900 लॉस हो गया 100 का, इसलिए अपन दिखा देंगे डेटर्स एंड एडजस्टमेंट के डेबिट में। ये भी हो गया, क्रेडिटर्स को डाल दो आप लोग 7,600 लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स 7,600 लायबिलिटी साइड में डाल दिए, वेरी नाइस। और इधर के भी सब वैल्यूज अपने हो गए, प्रॉफिट लॉस फाइंड करेंगे अपन, डेबिट की टोटल है आपकी 1200 प्लस 1400 प्लस 100 2700, क्रेडिट के 1800, डेबिट साइड की टोटल बड़ी है दोस्तों आपकी 2700, तो ये आएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसमें आएगा आपका ईना का कैपिटल में, मीना का कैपिटल में, टीका का कैपिटल में, कितना आएगा लॉस, तो 2700 माइनस 1800 लॉस आएगा आपका 900, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 900 900 900 इंटू 5/10, 2/10, 3/10, 450, 180, 270, ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 450, 180 एंड 270 टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, वेरी नाइस। चलो अभी अपन मीना का कैपिटल क्लोज करेंगे, पहले 12,000 प्लस 1400 प्लस 3,200 16,600, 16,600 में से माइनस कर देंगे 4,200, माइनस कर देंगे 180,
4200 नहीं है, 420 है माय डियर फ्रेंड्स। 16600 माइनस 420 माइनस 180, तो यहाँ आएगा आपका 16000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे अपन उसके कैपिटल में, उसके लोन में, टू मीनाज लोन अकाउंट, टू मीनाज लोन दिखा देंगे लायबिलिटी साइड में, मीनाज लोन अकाउंट 16000 रुपया, वेरी नाइस। अभी बचे हुए कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे हम, 16000 प्लस 3500 19500 में से माइनस कर देंगे 2000, माइनस कर देंगे 450, तो ये आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस 17050। टू क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये चले जाएंगे आपके कहाँ, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट नाम से, कैपिटल अकाउंट ईनो एंड डीको 17050। अभी इसका करेंगे अपन 9800 प्लस 2100 11900 में से माइनस कर दो 270, माइनस कर दो 1200, तो यह आएगा आपका 10430, ये भी जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में 10430। अभी हम टैली कर देंगे, यहाँ आपका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे कैश का 1200 माइनस 420, यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस 780। हाय क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, इसको दिखा देंगे हम कैश अकाउंट को असेट में 780। अभी हम टैली करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज को, टोटल को 780 प्लस 5900 प्लस 12600 प्लस 19800 प्लस 12000 51080 इधर 17050 प्लस 10430 प्लस 16000 प्लस 7600 51080 पे टैली हो गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।